तो मलाड पूर्वमां शिवसेनाना शिंदे जूथना जूथवाद के ज्यां शिंदे जूथना कार्यकरोए सांसद गजानन कृतिकर विरुद्ध सूत्रोच्चार कर्या छे के ज्यां शिवसेनाना काउंसिलर अने शिंदे जूथना सांसद सामसामे बीएमसीना फंडथी बनेला पार्कना उद्घाटन समय होबाळो थयो ज्यां कुरार पोलीसे बचाव कामगीरी करी અને દરમિયાન ગીરી કરી મામલો શાંત પડ્યો હતો તો બંને નેતાઓએ ये पार्टी का कोई विषय नहीं है। यहाँ से अंदर आपके पीछे अम्बेडकर नगर जामरुषि नगर को जाने को रास्ता है और वो जो नया लेआउट जो प्लान बना उसमें वो रास्ता गार्डन के अंदर से रखा गया है। हमने उसके लिए अमेंडमेंट करने को प्लान में कहा गया था कि आपको यहाँ से नाले के बाजू से 7 फीट का रास्ता देकर लोगों के लिए क्लियरेंस रास्ता मिल जाएगा, किंतु श्रेयवाद की लड़ाई कहो या इसे आप किसी ने की हुई घाई कहो या किसी ने की हुई मिसअंडरस्टैंडिंग कहो, आज खासदार साहब यहाँ पर आए थे, उनको ये नारियल का उनके हाथ से उनको ये नारियल फोड़ना था, किंतु स्थानिकों ने उसको जम के विरोध किया। उन्होंने एक छोटे स्तर पे वो कार्यक्रम को समाप्ति करते हुए यहाँ से उन्होंने जाने का निर्णय लिया, किंतु आज उन्होंने भी जाते समय कहा कि जब तक ये रास्ता नहीं होगा तब तक गार्डन का काम शुरू नहीं होगा। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग, ये प्रभाग क्रमांक 42 है, यहाँ पे नगर सेविका धनश्री भराड़कर जी है, उनके माध्यम से पिछले 2019 से लेकर आज तक कंटिन्यू हर 2 महीने में लेटर जाता है, हर 2 महीने में उसकी मीटिंग्स होती है और हर तरीके से प्रोसेस से काम चल रहा है, किंतु कुछ लोगों ने प्रशासन पे प्रेशर बनाया था, वो प्रेशर के तहत खासदार साहब को आगे आकर ये निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने भी इस विषय को समझ के लिया है कि जाने का साइड से रास्ता देना जरूरी है वरना ये काम तब तक नहीं होगा। प्रशासन का कौन अधिकारी इधर है? एक भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी इस जगह पर उपस्थित नहीं है। उनको मालूम है कि प्लान में हमको अमेंडमेंट करना है, उस वजह से यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है और खासदार साहब को किसी ने गलत मैसेज दिया था तो उन्होंने आकर बीच में रास्ता निकाला है। क्या है?